हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्साह मलिक, मैं निर्वयन स्लीप सेंटर से। आज मैं आपको F20 फुल फेस मास्क के फिटिंग के बारे में और एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम पहनते हैं और कैसे हम एडजस्ट करते हैं मास्क। तो ये हमारे पास एक F20 फुल फेस मास्क है और एक हमारे पास डमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फेस में नोज एंड माउथ को दोनों को मास्क से कवर करेंगे। ऐसे हम कवर करके इसको होल्ड करना है। देन ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप को हम पीछे खींचने एंड दोनों साइड मैग्नेटिक स्ट्रैप है, इन दोनों मैग्नेटिक स्ट्रैप को यहां पे ऐसे कनेक्ट करेंगे एंड और एक चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि जो नीचे वाले स्ट्रैप है उसको दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ के एंड दोनों को एग्जैक्ट सेम टाइम अब इसको टाइट करें, बिकॉज ये प्रॉपरली नीचे से टाइट हो जाए, वन साइडेड ना हो। वैसे ऊपर के दोनों स्ट्रैप को भी अकॉर्डिंग टू योर फेस अब इसको टाइट करें। सो अभी ये प्रॉपर वे मास्क पहनने का तरीका है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आपको मास्क पहनना है। तो मास्क के अभी मैं लीकेज के बारे में बताऊंगा कि कहां कहां से अगर लीकेज होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको बता देता हूं कि ये यहां पे एक एक्सहेलेशन पॉइंट है, यहां से अगर मास्क की एयर लीकेज हो रही है तो आप इसको लीकेज नहीं बोलेंगे, ये एक्सहेलेशन पोर्ट है। और मास्क के दो ही साइड से ज्यादातर लीकेज होती है, एक अपर नोज से एंड एक चिन से। अगर अपर नोज से आपको लीकेज हो रही है तो अपर स्ट्रैप को आपके हिसाब से थोड़ा सा टाइट कर दीजिए एंड उसके बाद देखिए लीकेज कम हुआ है कि नहीं। एंड देन नीचे चिन से अगर आपको लीकेज हो रही है या माउथ के साइड से लीकेज हो रही है तो आप लोअर स्ट्रैप को अच्छे से प्रॉपरली आप टाइट कर दीजिए। ये हो गया आपका लीकेज पार्ट। अगर आपको लीकेज होती है तो आपको ऐसे ही मास्क के साथ ट्रीट करना है। सो आपको मैं अभी अगले वीडियो में नोज मास्क के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे पहनते हैं और उसके लीकेज के बारे में कि कहां कहां से अगर उसकी लीकेज होती है तो कैसे आपको रिसॉल्व